एक बार कनाडा का एक आदमी था जो सर्दियों के महीने में थोड़ा नशे में था। उसको लगा भगवान उससे बात कर रहे हैं। वो अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, आप कहां से बात कर रहे हैं? अगर आप उस तरह के काम करेंगे, आपका मजाक उड़ाया ही जाएगा। नमस्कारम सद्गुरु, मुझे लगता है मेरी दिक्कत है जजमेंट का डर या मजाक उड़ाए जाने का डर। मुझे क्या करना चाहिए? आपका जजमेंट नहीं, किसी और का जजमेंट। और आपको ये भी नहीं पता कि उनका जजमेंट है क्या? सबसे पहली बात, क्या उनके पास आपके बारे में राय बनाने का समय है भी? क्या उनकी आप में इतनी दिलचस्पी है कि वो आपके बारे में राय या जजमेंट बनाने में समय बर्बाद करेंगे? लेकिन कोई व्यक्ति होगा जो कुछ कह सकता है। अगर आप पूरी तरह से उल्टी दिशा में जा रहे हैं। एक बार कनाडा का एक आदमी था जो सर्दियों के महीने में थोड़ा नशे में था। फिर उसने सोचा कि वो जमी हुई बर्फ के नीचे मछली पकड़ने जाएगा, तो वो गया और बर्फ को काटना शुरू कर दिया। तभी एक दहाड़ती हुई आवाज आई, इस बर्फ के नीचे कोई मछली नहीं है। वो घबरा गया, उसे लगा भगवान बोल रहे हैं। फिर उसने सोचा, क्योंकि उसे कुछ दिखाई तो दिया नहीं, फिर उसने सोचा शायद ये दारू की वजह से होगा, और फिर वो बर्फ तोड़ने में जुट गया। एक बार फिर वो दहाड़ती हुई आवाज आई, इस बर्फ के नीचे कोई मछली नहीं है। तब वो अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, भगवान, क्या आप भगवान हैं? आप कहां से बोल रहे हैं? आवाज ने कहा, मैं इस बर्फ के मैदान का मैनेजर हूं। अगर आप इस तरह के काम करेंगे, आपका मजाक उड़ाया ही जाएगा। लेकिन ज्यादातर समय दूसरे किसी के पास आपके बारे में सोचने का, आपके बारे में राय बनाने का, आपका मजाक उड़ाने का उनके पास टाइम नहीं है। वो अपने ही झमेलों में लगे हुए हैं ना। अगर उनको एक भी मिनट मिलता है तो वो आपको थोड़ी देख रहे हैं, वो आपको देख भी नहीं रहे हैं आजकल। तो आप परेशान मत होइए। अगर आप थोड़े बहुत हंसने लायक दिखते हैं और लोग हंसते हैं, अगर वो हंसते हैं, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि आप किसी के लिए खुशी की वजह बनते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर वक्त बेवकूफियां करते रहिए, पर कभी कभार अपना खुद का मजाक बनाना बिल्कुल मानवीय है। हाँ, आप अगर हमेशा बिल्कुल सही होते हैं तो यह कुछ दिक्कत की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हैं, इसका मतलब है कि आप में कुछ गड़बड़ है। मैं हमेशा सही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब जान लिया है, इसका मतलब है कि आप में पक्का कुछ गड़बड़ है। बस आप बस ये देख नहीं पा रहे हैं, तब जाकर आप हंसी की वजह बनते हैं। अगर आप हंसी की वजह बनने को राजी हों, तब आप बहुत प्यारे बन जाएंगे। बहुत सारे लोग आपसे प्यार करने लगेंगे क्योंकि आप बेवकूफ हैं। सच में उन्हें लगेगा आप क्यूट हैं। So don't bother about what somebody is thinking. What somebody is thinking is their problem, isn't it? कोई क्या सोचता है उसकी परवाह मत कीजिए। कोई क्या सोच रहा है वो उनकी प्रॉब्लम है ना? उनके मन में क्या चल रहा है ये उनकी प्रॉब्लम है, हाँ या नहीं? क्या वो आपको आकर बता रहे हैं कि आप पर हंसी आती है? इसका मतलब है कि वो बड़े काम के हैं। मान लीजिए आप मछली पकड़ने के लिए बर्फ के मैदान में खुदाई कर रहे हैं और किसी ने आपको वो बता दिया, तो ये बड़ा काम का सुझाव है ना? उन्होंने आपको बताया नहीं और आपको पता नहीं कि उनके मन में क्या चल रहा है। आप हर किसी का मन पढ़ने की कोशिश क्यों करना चाहते हैं? आपको इससे मतलब होना चाहिए कि आपके मन का गुण क्या है। दूसरे लोगों के मन के गुण और उसमें क्या है, इसके बारे में परेशान मत होइए।
ये सोचना बेकार है, मैं बता रहा हूं। दूसरों के मन की खोजबीन करना इसमें वाकई कोई काम की चीज नहीं है। अगर आपकी चिंता ये है कि आपके मन में क्या होना चाहिए, तब आपका जीवन बेहतर होगा। अगर आप इसलिए परेशान हैं कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रही होगी, आप पागल हो जाएंगे। क्योंकि आपको क्या पता क्या हो रहा है, ये सब अंदाजे वाला काम है। ये अंदाजे लगाने वाला काम आपको पागल कर देगा अगर आप इसे हर रोज करने लग जाएंगे, है ना। तो अब से आप बस ये देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई काम हंसी उड़वाएगा तो मत कीजिए उसे। अगर आपको लगता है कि कोई काम करने लायक है तो उसे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सोच सकता है कि ये मजाकिया है। मैं ब्रह्मांड में किसी भी चीज का मजाक उड़ा सकता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके खिलाफ हूं। इस पर रोने की बजाय आइए इन सारी बेवकूफी भरी चीजों पर कम से कम हंस लेते हैं। और क्या किया जाए, हाँ, ये एक चुनाव है। आप दुनिया में बहुत सारी बेवकूफी भरी चीजें देखकर उन पर रो सकते हैं या फिर उन पर हंस सकते हैं। आपकी उनको ठीक करने की क्षमता, ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, पर किसी चीज को ठीक करने की हमारी क्षमता तब बेहतर होती है जब हम हंसने वाले मोड में होते हैं, ना कि रोने वाले मोड में। ऐसा ही है ना। तो आप परेशान मत होइए, कोई हंसता है तो आप उनके साथ मिलकर हंस सकते हैं, आप फ्रेंड्स बनाएंगे, आप दोस्त बनाएंगे। अगर आप प्रतिक्रिया देंगे तो आप और ज्यादा हंसी के कारण बनेंगे। पहले ही आप एक बेवकूफी कर चुके हैं, अगर आपने उस पर प्रतिक्रिया की तो आप हमेशा के लिए हंसी के पात्र बनेंगे। अगर आप उनके साथ मिलकर हंसेंगे तो वह आप जो गलत कर रहे हैं उससे बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगे, संभव है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपको निराश करने के लिए। सॉरी।